ओवैसी साहब तो ये भी कहते हैं ये हिंदुस्तान हमारा ही था, इस मुल्क पर हमारा ही राज था, पहले अंग्रेजों ने फिर हिंदुओं ने हमसे जबरन छीन लिया है। आप इनके जहरू गन्ने वाले पूरे भाषण सुनेंगे तो लगेगा इससे बड़ा गद्दार आदमी हिंदुस्तान में कोई नहीं है। आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हो, किस आदमी के ऊपर फालतू की डिबेट कर रहे हो, छोड़ो इस आदमी का। आप गद्दार कह रहे हैं उन्हें, आप गद्दार कह रहे हैं उन्हें। अरे ये मैं गद्दार इसलिए कह रहा हूं, इसकी भारत में भारतीयता में आस्था नहीं है, इसका एक मजहबी एजेंडा है, उस मजहबी एजेंडों को चला करके ये अपना राज कायम रखना चाहता है और लोगों को भड़काना चाहता है अलग अलग तरह से। गद्दारी का मतलब मैं इसको बहुत बड़ा शब्द है, इसकी वफादारी नहीं है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान मिलकर के रहें। ये इस देश के अंदर कौमी तौर पर मजहबी तौर पर झगड़े का जो है कड़वी होती है। मैं मुझे बोलने दीजिए सर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। वैश्य आप बोले। दूसरी बात यह है कि आपने जिन तंजीम का हवाला दिया, देखिए हिंदुस्तान में जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हम तमाम उसके पाबंद हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसका प्रैम्बल ये है कि इंडिया एक सेक्युलर मुल्क है। हमारे दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज को, आप मुतमईन रहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है वो हमेशा मजबूत रहेगा और इंशाअल्लाह ताला उसको मजबूत रखेंगे, आप उसकी हरगिज फिक्र मत करिए। दूसरी बात यह है कि आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान के हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है और हम यहां पर अपने मसाइल जमहूरियत में मिलकर तलाश कर रहे हैं, आप हमारी छोड़ दीजिए। तीसरी बात यह है कि सर जिहाद के माने आपके कुछ है और मेरे कुछ है। अगर मैं बोलना शुरू करूं, क्या ये जिहाद है कि शियाओं पर हमला करना, क्या ये जिहाद है कि मस्जिद को मार देना, लोगों को मार देना, आप बताइए मुझे। हमारा जो मेरे जो माने जिहाद, सबसे अहम काम यह है कि नफ्स के खिलाफ जिहाद करो और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे करो, वो सबसे बेहतरीन जिहाद।